अत्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दी हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। पेरू में राष्ट्रपति के चुनावी नतीजों से सामाजिक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ 95% से ज्यादा हुई मतगणना से अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पेरू की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा। यहाँ अब तक की मतगणना में दक्षिण पंथी नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की पुत्री केइको फुजिमोरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पेड्रो कास्टेलो को कड़े मुकाबले में बहुत कम अंतर से बढ़त बनाई हुई है। 50.3% मतदान के साथ फुजिमोरी पहले तो 49.7% मतदान के साथ पेड्रो दूसरे स्थान पर हैं। पेरू में राष्ट्रपति पद के लिए पहले चरण का मतदान अप्रैल में हुआ था, लेकिन 18 उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार ने जीत हासिल करने के लिए जरूरी कुल वोट का आधे से अधिक मत हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं की थी। वहीं 46 वर्षीय फुजिमोरी ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनावी मैदान में उतरते हुए पूरी ताकत झोंक दी थी। आपको बता दें कि पिछले दो मौकों पर वो मामूली अंतर से हार गई थी, लेकिन इस बार उनकी सरकार बनने की अटकलें तेज है। पेरू में चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि इतने कम अंतर से हार और जीत का ये सफर जहां भी रुकेगा, वहां से पेरू में चुनावी धांधली से लेकर दोबारा मतगणना कराए जाने के प्रयास किए जाएंगे।